हेलो फ्रेंड्स, क्या स्वाद है चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा क्रिस्पी स्टिक्स। इसके लिए हमने दो उबले हुए आलूओं को मैश किया है और एक कप बाउल पोहा लिया है। इस पोहे को पीस लेंगे। पोहे को हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब इस बारीक पिसे हुए आटे को हम आलूओं में मैश किए हुए आलूओं में मिला लेंगे और साथ में हम इसमें धनिया पिसा हुआ, मिर्च, काली मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और जो हमने बारीक पिसी हुई मिर्च काटी थी वो। अब हम मैश किए हुए आलूओं और इस आटे को और अपने मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हमने जो ये डो तैयार किया है इसको 5 मिनट के लिए हम ढक कर रख देंगे। अब 5 मिनट के बाद हम इस आटे को देखेंगे। देखिए ये नरम हो गया है। अब हम इसकी स्टिक्स बनाएंगे। उस आटे की ऐसी छोटी छोटी स्टिक्स बना लेंगे और उसके बाद हमने इस कढ़ाई में रिफाइंड चढ़ाया है और हम इसको अब फ्राई करेंगे। हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और जब तक ये ब्राउन कलर की नहीं हो जाती इसको हम फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको हमने लो फ्लेम पर फ्राई किया है और इसका कलर ब्राउन हो गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको हम सॉस के साथ सर्व करेंगे। ये हमारी पोहा क्रिस्पी स्टिक्स तैयार है।